नगर निगम और पार्षद ने वार्ड नंबर 15 के कॉलोनी वासियों को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है। बढ़ती गर्मी के कारण बोरिंग दम तोड़ चुके हैं, पानी की समस्याएं पैदा हो गई है, लेकिन नर्मदा लाइन का काम अधूरा पड़ा है। आवारा कुत्ते और सुअर लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। शहर को फिर नंबर वन बनाने के लिए करोड़ों रुपए स्वच्छ भारत और इंदौर नंबर वन के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी शहर के कई वार्डों में आवारा पशु और सुअर खुलेआम कॉलोनी और सड़कों में घूम रहे हैं। पद्मालय कॉलोनी उमंग पार्क के रहवासियों का कहना है कि इस पर ना तो महापौर की नजर है और ना ही मनीष सिंह की, ना तो क्षेत्र के पार्षद ही इस पर कोई ध्यान देते हैं। वार्ड में दिन हो या रात, लोग सुअरों के आतंक से परेशान हैं, साथ ही गर्मी में पानी और बिजली की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जिस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। इसकी वजह से बहुत ही परेशानी एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा लाइन और बगीचे के विकास को भी अधूरा ही छोड़ दिया गया है। पार्षद महोदय मात्र आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इंदौर से कैलाश सिसोदिया की रिपोर्ट।